हाय स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स, हाय दोस्तों, दिस इज केडी शिवम। हमारे इस संडे का वीडियो का टाइटल है अनलॉक 4 रीओपनिंग ऑफ स्कूल फ्रॉम 21 सितंबर। दोस्तों, क्या आपको लगता है स्कूल रीओपन होना चाहिए 21 सितंबर को? क्या आपको लगता है हमारे बच्चे सेफ रहेंगे स्कूल जाने से? क्या आपको लगता है जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं और ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो प्रिकॉशंस पूरी तरह से ले पाएंगे? क्या आपको लगता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अनलॉक 4 के साथ, ये फॉलो होगा स्कूल्स में? तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज, ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ शेयर करो सो दैट सबको ये बात का पता चले, सबको ये प्रिकॉशंस का पता चले और हर बच्चा सेफ रहे ऐसे पैंडेमिक टाइम में स्कूल जाते वक्त। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ऐसा समझते हो कि स्कूल जाएंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, खेलेंगे रिसेस में, राइट, असेंबली हॉल में मिलेंगे, बहुत मजा आएगा, फिर से मजा आएगा, जो बोर हो गए ये पाँच छः महीने से वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? एज पर रूल्स, कॉमन शेयरिंग प्लेस बिल्कुल अलाउड नहीं है एक्सेस करने का। जैसे कि प्लेग्राउंड नॉट अलाउड, असेंबली हॉल नॉट अलाउड, नो प्रेयर, बरोबर, कहीं भी साथ में मिलके बैठने वाली बात होगी नहीं स्कूल में। हर एक दो बच्चों के बीच में मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है, राइट? क्योंकि हम बहुत ही एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और हमें हर तरह के प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। गवर्नमेंट ने अभी तक सबसे लास्ट स्कूल्स को क्यों रखा है? क्योंकि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर दिस कंट्री। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर एक बच्चा जो भारत का कल है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो वी वॉन्ट यू टू बी हेल्थी, राइट, सेफ, एंड सो दिस प्रिकॉशंस आर मस्ट एंड आर टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। सो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है विच स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन रीओपन फ्रॉम 21 सितंबर, राइट? तो वो कौन से स्कूल्स हैं जो 21 सितंबर से खुल सकते हैं, स्पेशली जो कंटेनमेंट जोन में जो आते हैं, राइट? जैसे हमने जोन अलग अलग बनाया है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। तो जो ग्रीन जोन्स में स्कूल आते हैं वही स्कूल्स खुल सकते हैं 21 सितंबर से, राइट? अब ये एक बात की बहुत ध्यान देना जरूरी है, स्कूल भले ही ग्रीन जोन में हो, बरोबर, स्कूल भले ही नॉन कंटेनमेंट जोन हो, लेकिन जो बच्चे जो हैं वो अलग अलग एरिया से स्कूल में आते हैं। तो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो बच्चे कहाँ से, कौन से एरिया से, किस घर से आते हैं हमको पता नहीं होता है। तो बहुत ही प्रिकॉशन लेना जरूरी है। टीचर्स लोगों को ये बहुत ही सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। हर तरह का सेफ्टी मेजर्स उनको रखना जरूरी है। मास्क, सैनिटाइजेशन, क्लीनलीनेस, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो वही स्कूल खुलेंगे जो स्कूल्स नॉन कंटेनमेंट जोन में होंगे और स्पेशली ग्रीन जोन में होंगे, वही स्कूल खुल सकते हैं। सो दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है, हु कैन गो टू स्कूल फ्रॉम 21 सितंबर 2020। नाउ एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, ओनली 9th, 10th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कैन गो टू स्कूल फ्रॉम 21 सितंबर 2020। दिस इज अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, बराबर। ओनली दो स्टूडेंट्स हु कैनॉट एक्सेस, राइट, हु डिफर फ्रॉम, जिनके पास वो सुविधा, ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं है,
आइदर मोबाइल या नेट कोई भी चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं स्कूल, राइट। स्कूल जो बच्चों को कोई डाउट सॉल्विंग है तो जा सकते हैं स्कूल में, वो बच्चे लोग जिनको टीचर्स से गाइडलाइन लेना है वो लोग जा सकते हैं, कंसल्टिंग के लिए जा सकते हैं, काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, राइट। तो ज़्यादातर क्लासेस जो है, जो स्टडीज जो है वो ऑनलाइन बेस पे ही होने वाला है और होना चाहिए, बराबर। स्कूल्स में सिर्फ ये सारी चीज़ें होने वाली है, डाउट सॉल्विंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग और गाइडलाइंस। 11th 12th के साइंस स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू नहीं हो सकता है, वो लोग स्कूल जा सकते हैं, राइट। लेकिन विथ ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाए, टीचर्स 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करें, अपरेटस को क्लीन रखें, राइट, एयर मूवमेंट की सुविधा अच्छी हो लेबोरेटरी में, तो ये सारे खास ध्यान रखना जरूरी है। और पेरेंट्स से मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अपने बच्चों के स्कूल में विजिट करें और ये सारी सुविधाएँ का उपलब्धि है कि नहीं है जानकारी ले लें। टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, सारे लोगों के लिए जाना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास अच्छी फैसिलिटीज हैं, आपके घर पे अच्छी फैसिलिटी है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अच्छा नेट की सुविधा है, मोबाइल, लैपटॉप, टेबलेट कुछ अच्छी तरह है और आप सेटिस्फाइड हैं, तो फिर स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। यू आर सेफ एट होम रेदर देन टू टेक रिस्क बाई गोइंग टू स्कूल, ओके। तो इट इज़ बेटर टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। प्लीज लेट्स गो टू दी अवर थर्ड पॉइंट। सो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है, व्हाट प्रिकॉशंस स्कूल शुड टेक फ्रॉम 21st September 2020, राइट। तो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस, पहली बात तो ये है कि स्कूल सिर्फ 50% स्टाफ के साथ रन करेगी, राइट। और दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखेगी, 6 फीट का डिस्टेंस बोला है क्योंकि चिल्ड्रन आर द मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस वायरस, राइट। तो ये बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा, सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए, क्लासरूम सारे क्लीन होना चाहिए, क्लीनलीनेस का खास ध्यान रखना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद ये एयर मूवमेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज पर WHO, राइट, वायरस कैन स्टे फॉर सम टाइम इन द एयर, बराबर। तो वो एयर में प्रिवेल करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक क्लासरूम में ये सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। और ये भी हम जानते हैं कि चाहे वो N95 हो या कोई भी मास्क हो, वो रिस्क लेवल को कम करते हैं लेकिन रिस्क को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, रिस्क स्टिल एग्जिस्ट, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एयर मूवमेंट की फैसिलिटी हो, राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सैनिटाइजेशन, दैट इज सैनिटाइजर्स अवेलेबल हो, मास्क, क्योंकि बच्चे कहीं भूल के आ गए तो स्कूल में मास्क अवेलेबल होना चाहिए, राइट। और ये सारे चीज़ों का ध्यान रखें, वो सारे जहाँ द डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होते, वैसी जगह का उन लोग यूज़ नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल प्लेग्राउंड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो मैंने बताया है, ये असेंबली हॉल का होगा नहीं, ओनली क्लासरूम्स एंड दैट टू फॉर ओनली दोज पर्पसेस, जो चीज़ मैंने बताया है। फिर प्रैक्टिकल्स के लिए लेबोरेटरी, यही चीज़ों का, यही प्लेसेस का यूज़ हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पेरेंट्स बिफोर सेंडिंग देयर वार्ड्स, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले एक बार खुद स्कूल जाके तपास करके चेक कर गया है कि ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं, आपका बच्चा सेफ है कि नहीं। तो एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सर्दी जुकाम जो होता है ना, ये ज़्यादातर स्कूल्स में से ही फैलते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर दी बेस्ट कैरियर्स, ये जो स्कूल जो बच्चे जो होते हैं, एक बच्चा अगर छींकता है, स्नीज करता है, तुरंत वो एयर में फैल जाता है और उसका इफेक्ट इवन टीचर्स को भी हो सकता है और दूसरे बच्चों को भी। और ये COVID-19 का रिस्क तो हम ले ही नहीं सकते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, प्लीज़ बी अलर्ट, ओके, एंड प्लीज़ बी सेफ, राइट। इफ़ यू कैन एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम होम, इट इज़ द बेस्ट, सेफेस्ट
वे टू स्टडी राइट नाउ. पढ़ाई तो होती रहेगी, अगर जिंदगी है, हेल्थ है, तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, राइट. अगले साल भी हो सकता है, घर से भी पढ़ाई हो सकता है, थोड़ा सा फर्क रहेगा. हाँ, इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन रिस्क लेके पढ़ना ऐसा जरूरी भी नहीं है, राइट. दैट्स अ थिंग. बात करते हैं इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी की, राइट. बहुत पेरेंट्स ये समझते हैं मेरा बच्चा में इम्यूनिटी बहुत है, मेरा बच्चे को कुछ होता है, हो नहीं सकता है, N95. सी, दैट्स नॉट द केस, राइट. अगर एक बच्चा स्कूल जाके आता है, मतलब वो कैरियर बनने का चांस है, राइट. ही कैन बिकम दी कैरियर ऑफ वायरस. तो और वो जब घर आ लौटता है, और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको इन्फेक्ट होने के चांसेस है. दिस इज व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल कैन बी. आई कैन नॉट से इट इज गोइंग टू कैन बी, तो ये हो सकता है. तो प्लीज ध्यान रखिए इन पॉइंट्स का, राइट. लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर 4. हमारा ये आखिरी पॉइंट है, थिंक ट्वाइस बिफोर साइनिंग द परमिशन लेटर. दिस इज स्पेशली फॉर पेरेंट्स. यस, आपका बच्चा जो है जिद करेगा, क्योंकि वो ये 6 महीने का जो लॉकडाउन है, उसे स्कूल जाने का एक्साइटमेंट रहेगा, राइट. उसको वो रिस्क का पता नहीं रहेगा, लेकिन वो स्कूल जाने का जिद करेगा. लेकिन एज अ पेरेंट्स, आप दो बार सोचिए. ये जो प्रिकॉशंस के हमने बात किए, वो सारे पॉइंट्स का जांच कीजिए, स्कूल जाकर आइए, राइट. बिफोर सबमिटिंग द परमिशन लेटर, प्लीज़ पर्सनली विजिट द स्कूल, चेक विद द टीचर्स, चेक द सेफ्टी मेजर्स दे हैव टेकन ऑलरेडी विथ. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद, स्कूल के आजू बाजू वाला एरिया कौन सा जोन है, तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखिए, फिर उसके बाद परमिशन लेटर साइन कीजिए. और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रोज़ जाएगा, सिर्फ गाइडेंस के लिए, कंसल्टिंग के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए, यहाँ तो फिर कुछ ये प्रैक्टिकल्स के लिए वो जाना है. तो प्लीज़ टेक केयर. आपके घर पे भी वो स्कूल से आते ही सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए. सपोज़ आपका बच्चा स्कूल जाके आता है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल ही और शी शुड टेक बाथ, राइट, कंपल्सरी, एंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, राइट. और उनकी जो चीज़ें हैं, जो बैग है, वो थोड़ी देर के लिए 3-4 आवर्स के लिए क्वारंटाइन करके रख दीजिए, सो दैट थोड़ा सा सेफ्टी हम फील कर सकें, राइट. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए. स्कूल किस बात के लिए खुला है, रीओपन किया है, ये इसका भी स्टडी कीजिए, और फिर भेजिए अपने बच्चों को, ओके. सो दोस्तों, पेरेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. सो प्लीज़, अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो को शेयर करो, सो दैट आपके जैसे नंबर ऑफ पेरेंट्स को ये अवेयरनेस आए, ये स्टूडेंट्स को पता चले स्कूल किस बात के लिए रीओपन हो रहा है, राइट. तो प्लीज़ शेयर करो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आपका नेक्स्ट संडे का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले उसका, राइट. तो प्लीज डू इट, ओके. हैव अ नाइस डे. हैप्पी संडे टू ऑल. बाय.